यार सदियों पहले लौकी भैया ने हॉकी खेलते हुए एक बात बोली थी, योर सेवियर इज हियर। देयर, तब इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये बात सच होने वाली है बॉस। अपना लौकी बनेगा मार्वल का सेवियर और यही करेगा कमाल, क्योंकि यार एपिसोड 2 जो आया है ना, मतलब बवाल। तो यार तीन बड़ी चीजें हुई है इस वाले एपिसोड में, रेंसलेयर के टेम्पेट का सिग्नल मिलना, सिल्वी का कमबैक और ब्रांचेस टाइमलाइन का खात्मा। इन तीनों पर एकदम खुल के चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कहाँ है मिस मिनट्स की भटकती आत्मा। तो गुरु ये वाले एपिसोड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये कि लॉकी इज बैक इन एक्शन। हंटर X5 को पकड़ने वाला लॉकी का ये सीन जहां शैडो में उसके सींग नजर आते हैं, कसम से गूज़बम्प्स। ये देख के मुझे लॉकी की न्यूयॉर्क बैटल याद आ गई और लॉकी को याद आ गए हमारे प्यारे सबके दुलारे टोनी स्टार्क। I am Steve Rogers. कहां से पीछे से? अच्छा पिछले एपिसोड में जहां लोकी हैरान परेशान दर बदर बेखबर भटकता फिर रहा था, वहीं इस बार उसने अपने 10% पोटेंशियल से ही दिखा दिया कि क्यों लोग उसे शरारतों का देवता कहते हैं। अब सिल्वी की बात करें तो ही हू रिमेंस का गेम्स बजाने के बाद वो 1982 की एक ब्रांच टाइमलाइन में पैर पसारे बैठी है, जहां उसे ना तो अब लॉकी चाहिए ना ही टीवीए की टेंशन, बस इसी अग्रेशन में उसे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि जिस टाइमलाइन में वो रह रही है वहाँ पहुँची हुई डॉक्स किसी भूखी फॉक्स की तरह हंटर्स की पूरी फौज के साथ ब्रांचेस टाइमलाइन को ब्लास्ट करने वाली है। हालांकि एन मौके पर पहुँच के लॉकी सिल्वी और मॉर्बियस ने तीन ब्रांचेस टाइमलाइन को खत्म होने से बचा लिया है, लेकिन उन टाइमलाइन के ब्लास्ट होने की वजह से दो बहुत ही मेजर डिटेल्स निकल के आई है, जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है रेवोना रेंसलेयर का टेम्पेड लोकेट होना। और मैं बता दूं कि ये रेवोना बहुत ही इंपोर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी मत खोना। अच्छा अब देखो यार सीधे तौर पर समझने वाली बात है, इन तीन टाइमलाइन में से एक में तो सिल्वी अपनी कुल्फी जमाने बैठी है और दूसरी टाइमलाइन में शायद मुझे कंफर्म डाउट है कि विक्टर टाइमली लगा के अपना खोखा पक्का अपनी यहीं टिका के बैठा होगा, जिससे डेफिनेटली लॉकी और मॉर्बियस एपिसोड 4 तक भिड़ने या फिर मिलने जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वो जाएंगे तीसरी बची हुई टाइमलाइन में, क्योंकि यहीं पर रेवोना का टेम्पेट लोकेट हुआ है। वेल रेवोना रेंसलेयर पे फोकस करेंगे क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन चुकी है। अभी कल ही मैंने अपने शॉर्ट में बताया था कि क्यों हमें इस बंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और आज के ही एपिसोड में हमें इस बात के संकेत मिलने भी लगे, क्योंकि कैसी ने ये चीज रिवील की है कि टीवीए छोड़ने से पहले रेवोना को किसी एक बहुत ही खास का मैसेज आया था। हालांकि उसका नाम रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तो सामने है कि रेवोना को ट्रेक होने से बचाने के लिए मिस मिनट्स उसके साथ है, जो कि उसकी पूरी सहायता कर रही है, और वो किसके इशारों पर चलती है ये तो आप जानते ही हो। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। अभी और सुनिए। और जैसा कि लोकी ने बताया कि ही हू रिमेंस और रेंसलेयर बातों से एक दूसरे के पार्टनर लग रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ही हू रिमेंस के साथ मिलके किसी जंग का रुख पलट देने वाली ये बंदी कोई आम इंसान नहीं हो सकती भाई। अब मुझे पूरा यकीन है कि रेवोना अर्थ 616 में दिखाई गई किसी पावरफुल बींग का ही वेरियंट है, और अगर मैं गलत नहीं हूं, जो कि होना भी नहीं चाहिए, तो ये एंशिएंट वन का वेरियंट हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो समझने के लिए कल वाला शो देख डालो, समझ जाओगे। कसम से साथ मिलके मार्वल के एक एक सीक्रेट से पर्दा उतारेंगे, और अगर नहीं उतार पाए तो साथ मिलकर हारेंगे। कैप्टन अमेरिका, तू उधर क्या बोल रहा था? नहीं, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना, तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है।